हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पा जाखड़, वेलकम टू फ्लाया एकेडमी। आज हम बात करेंगे शिक्षक परीक्षा पर, जो कि अभी एमपी टेट एग्ज़ाम वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन पर बात करेंगे। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि वर्ग तीन का जो एग्ज़ाम होना था शिक्षकों का, वो फिर से पोस्टपोन कर दिया गया। जी हाँ, पहले इन्होंने वर्ग एक और वर्ग दो की परीक्षा कराने में इनको इतना समय लग गया, जैसे कि मान लो मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी ही नहीं है। फिर जैसे तैसे एग्ज़ाम करा दिया तो रिजल्ट आने, और रिजल्ट आ गया तो अब उनका वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, बस ये कह के कि कोरोना की वजह से परिवहन पॉसिबल नहीं है, मतलब कि जो छात्र हैं वो आना जाने की दिक्कत होगी, ये वो सब समस्या है, इसलिए उन्होंने वेरिफिकेशन को रोक दिया। जेई मेंस के पेपर हो सकते हैं, नीट का एग्ज़ाम भी हो सकता, लेकिन और भी रैलियाँ हो सकती हैं, चुनावी रैलियाँ हो सकती हैं, चुनाव हो सकते हैं, बाजार खुल सकते हैं, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि कोरोना। उसी तरीके से ही वर्ग तीन जो है टेट एग्ज़ाम है आपका, एमपी टेट का एग्ज़ाम, चूँकि जो 2011 में आखिरी बार लिया गया था, इसके बाद से सब जो विद्यार्थी हैं वो बस इंतज़ार में ही बैठे हैं कि आज पेपर होगा, कल होगा, परसों होगा, जब भी होगा। इतने सालों से बस आपको एक आश्वासन ही दिया जा रहा है कि केवल एग्ज़ाम होंगे, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अतिथि शिक्षकों को लड़ना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है, ना ही उनको उनका हक मिल पा रहा है, ना ही उनको न्याय मिल पा रहा है। बस इतनी सी बात है कि शिक्षकों का कोई सम्मान तो है नहीं, ना ही ये करना चाहते हो, ना ही इनको अब शिक्षकों की आवश्यकता है। एमपी टेट एग्ज़ाम वर्ग तीन का जो पेपर होना था वो सेप्टेम्बर में होना था, 22 से 26 तारीख के सेप्टेम्बर से अक्टूबर में, लेकिन अब उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। वो भी अब कब होगा इसकी डेट अनाउंस नहीं की है, विल भी डिक्लेयर सून हो जाए, मतलब कुछ दिनों बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन अब कब कर दिया जाएगा ये हम पिछले 2011 से जो 9 साल हो गए तब से हम सुनते आ रहे हैं कि पेपर आपका कब होना है। तो गाइस, इसी तरीके से अगर शिक्षकों का अपमान होता रहेगा, उनका कोई सम्मान नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती रहेगी, तो क्या होगा? इससे नुकसान ये है कि जितने भी विद्यार्थी 2011 से सोच रहे थे कि अब हम शिक्षक की परीक्षा देंगे, शिक्षक बनेंगे, उन्होंने हर प्रकार की डिग्री डिप्लोमा कर लिए, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और पूरे टाइम बस उसी में ही लगे रहे कि हमें बस शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी है, समय आएगा तब हम देंगे। अब वो बेरोज़गार तो 9 साल से घूम ही रहे हैं, और साथ में ये कि अब वो ओवर एज भी हो गए, उनकी उम्र भी चली गई है, अब वो पात्र ही नहीं है उस परीक्षा के लिए। और आगे भी अब इन्होंने यही करा है कि जो वर्ग तीन की पोस्ट को भी पोस्टपोन कर दिया, अब उसके भी अब कब आएगी, जब तक और स्टूडेंट जो है फिर से क्या हो जाएंगे, जी हाँ, फिर से वो उसके पात्र नहीं रह पाएंगे, किसी की एज निकल जाएगी, तो किसी का कुछ हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब जेई मेंस नीट हो सकता है, 12th के एग्ज़ाम हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम हो सकते हैं, जब 12th के लास्ट के सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम करा रहे, रुक जाना नहीं योजना करा, हर तरह के एग्ज़ाम आप करा सकते हो, तो आप एक पात्रता परीक्षा नहीं करा सकते। चलो आप पात्रता परीक्षा नहीं करके आप सत्यापन नहीं करा सकते, जिन शिक्षकों ने वर्ग एक वर्ग दो का पेपर दिया, जिनकी मेरिट लिस्ट आ गई है, जिनका से वेरिफिकेशन होना है, क्या आप उनका वेरिफिकेशन भी नहीं कर सकते? वेरिफिकेशन में भी क्या नियमों का पालन नहीं होगा? तो गाइज, इस तरीके से हर बार जो शिक्षकों के हक का जो हनन होता रहा है और आप सुनते रहे हैं, वो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्पीक अप फॉर टीचर्स, हमें शिक्षकों की बात को आगे रखना है, और हमें शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से जोड़ना है कि भाई अपने हक के लिए तो बोलो कम से कम, किसी चीज़ के लिए नहीं बोल सकते तो अपने हक के लिए तो बोलो। हम भी स्टूडेंट हैं, हमें भी अपना घर परिवार चलाना है, हम भी एक देश के आम नागरिक हैं, और हमें भी जॉब की आवश्यकता है या नहीं, हम भी बेरोजगार हैं, हमें भी अपना घर चलाना है, हमें भी बहुत सारे काम करने हैं, हमें भी देश की सेवा करनी है। लेकिन आप बार बार हर बार लगातार इस तरीके से धोखा देंगे तो ये कब तक चल पाएगा? शिक्षकों को सबसे ज़्यादा कार्य भी करना पड़ता है, हर चीज़ में उन्हें, हर सरकारी कार्य में उनको लगा दिया जाता है, पढ़ाई नहीं होती है तो रिजल्ट नहीं आता, तो वो उनमें भी उनका ही दोष होता है। इतनी सब कुछ समस्याओं को झेलने के बावजूद भी वो अपने हर चीज़ को अपने तरीके से करने की कोशिश करता है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो क्या होगा? ये बिल्कुल सरासर गलत है, सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए, और शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द करनी चाहिए। जिनका वेरिफिकेशन नहीं करा उनका वेरिफिकेशन कराना चाहिए, और जिनके एग्ज़ाम नहीं कराए गए उनको जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराना चाहिए, बिल्कुल कोरोना की जो गाइडलाइन बनाकर, बिल्कुल तरीके के साथ। कोई हमें जल्दबाजी इतनी भी नहीं है, जब 8 से 10 साल झेल लिए तो
एक महीना और थे, आप एक महीने में एग्ज़ाम करा देते, आप दो महीने में करा दीजिए, आप 500 बच्चों को एक साथ बिठा देते, आप 100 बच्चों को बिठाइए, लेकिन आप एग्ज़ाम ज़रूर कराइए। सो गाइस प्लीज़ आप लोग से सभी रिक्वेस्ट है कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जितने भी शिक्षक हैं, जो भी पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन की, जिन्होंने दी है, दे रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार है, वेरिफिकेशन का इंतजार है, जितने को भी समस्या है, इसको रोकना नहीं चाहिए। सभी लोग स्पीक अप फॉर टेट, स्पीक अप फॉर टीचर्स, ये हैशटैग लगाएं और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक जाए, सरकार के उन अथॉरिटी पर्सन के पास जाए जो इस चीज़ को पॉसिबल बना पाए। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इसमें हमारा बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इन चीज़ों में हम बिल्कुल नर्मदापूर्व आपसे कह रहे हैं, बिल्कुल संयम शब्दों में कह रहे हैं कि हमें बस शिक्षकों को परीक्षा दे लेने दीजिए और उनकी भर्ती कीजिए, ताकि इससे देश का भविष्य भी सुधरे और बेरोज़गारी की जो समस्या है उसका भी समाधान हो और सबका घर अच्छे से चल सके। जय हिंद, जय भारत।